यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। करनाल के एसआई नरेंद्र कुमार का रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार एएसआई एक नाबालिग के केस में कोर्ट पेशी के लिए रोहतक लेकर गए हुए थे। लड़की को अदालत के सामने पेश करने के बाद जैसे ही वो बाहर आए तो कोर्ट परिसर के बाहर पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान नरेंद्र कुमार ने बहादुरी का परिचय देते हुए महिला सिपाही और लड़की को बचाने की कोशिश करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस दौरान गोली लगने से नाबालिग लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। जब वो कोर्ट से बाहर आए और करनाल जाने के लिए तो कुछ बदमाशों ने मोटरसाइकिल पे आके उस लड़के को मारने की कोशिश करी, लड़की को। उसमें सब इंस्पेक्टर, हमारे एग्जीक्यूटिव सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया और इस उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो उसको मारने के लिए आए थे और इसने जो रेसिस्टेंस दिखाई, अपनी जान की परवाह नहीं करी और उनको रोकने की कोशिश करी, तो उस इंसिडेंट में गोली जो है सब इंस्पेक्टर को भी लगी और उस लड़की को भी लगी। उसके दोनों की मौके पे ही मौत हो गई। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही आया है कि उनके लड़की जो है ममता, उसके पेरेंट्स ने ही कराया होगा और किसी का कोई एक्शन लेने का कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि परिवार को सरकार की तरफ से 30 लाख रुपया मरने वाले के।